शब्द पर्याप्त हैं न तालियां पर्याप्त हैं। वाकई राजनाथ सिंह ने खुद ये कह दिया है और संकेत है शायना, लेकिन फिर भी नाम नहीं लिया जाता। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता है जो तीन बार जीत के आया है। उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी प्रशंसा जो हुई है ना सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में भी कहा गया है कि गुजरात जो प्रदेश है नंबर दो प्रदेश है पूरे विश्व में। तो ये गर्व का मुद्दा है। हर एक कार्यकर्ता जब मौजूद है तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ता की तरफ से एक सम्मानजनक प्रशंसा की जाए, और आज राजनाथ सिंह ने वही किया जो मुझे लगता है हर एक कार्यकर्ता अपने मन में करना चाहते थे। तो कहीं पर क्या काडर और लीडर का फर्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ जितने काडर नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी कहीं से उतरते हैं कहीं उनका एक झलक दिख जाती है, सब कहते हैं भावी प्रधानमंत्री है। जब मंच पर आ रहे थे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो शब्द सबको सुनाई दे ही रहे हैं। क्या काडर की सोच और लीडर की सोच अलग है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोच अलग है, लेकिन राजनीति में एक रणनीति होती है। हमारे अध्यक्ष जी राजनाथ जी ने स्वयं कहा है और बहुत मरतबा कहा है कि हम ऐलान करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, लेकिन जब करने की आवश्यकता है तब, और पार्लियामेंट्री बोर्ड एक सिस्टमैटिक डेमोक्रेटिक वे में करेगी। जहां तक सवाल रहा है, मुझे लगता है कि आज गुजरात के बारे में चर्चा दुनिया भर में हो रहा है, क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो अपरंपार है और उससे इतना प्रेरणा मिलता है, कार्यकर्ता को गर्व होता है कि हमारे पार्टी में ऐसे नेता है जिन्होंने तीन बार इतना विजय प्राप्त किया। और ना सिर्फ ये इलेक्शंस में श्वेता, आज आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में जितने हम 1150 सीट्स जीत चुके हैं 1900 से, कांग्रेस इज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट इन गुजरात। तो मुझे लगता है ये श्रेय जो हमारे नेता को जाता है, लेकिन कार्यकर्ता भी चाहता है कि वो ये श्रेय और इस जीत की में हिस्सा बने और शामिल हो। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जो कोई और नेता हो, कल शिवराज सिंह जी जीत के आने वाले हैं, तब उनको भी ये सम्मान जरूर मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल में जगह है नरेंद्र मोदी की ज्यादा बड़ी, ये तो साफ स्पष्ट नजर आता है। शिवराज जी भी हैं, सारे दिग्गज नेता यहाँ पर हैं, सबकी जगह अपनी अलग होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जब बात हो जाती है तो वहां पर कार्यकर्ताओं का रुख ही अलग दिख जाता है, अलग ही हौसला होता है। मैं आपको एक अलग सोच पेश करना चाहती हूँ। बार बार आपने देखा है कि कांग्रेस की सरकार हो या यूपीए की सरकार, उन्होंने लगातार एक टारगेट बनाया है तो नरेंद्र मोदी जी को, कोई भी कंट्रोवर्सी हो तो नरेंद्र मोदी जी को लाइए। वहाँ जब वो लोकप्रिय है गुजरात में, और आपने देखा है कि किस ढंग से वो लगातार जीतते आए हैं, तो एक ऐसा सेटिस्फैक्शन होता है कि देखिए आप सबकी बोलती बंद, ये हमारे नेता हैं। और वो गर्व जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी को लेके, अडवाणी जी को लेके, मोदी जी को लेके, बहुत सारे नेता और भी हैं जिन्होंने अपने अपने प्रदेश में इतना काम किया या अपने अपने क्षेत्र में इतना काम किया, लेकिन उसका गर्व जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि आज राजनाथ सिंह जी का जो बड़प्पन था, जिस ढंग से उन्होंने सबको कहा कि लेट्स गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द पर्सन हु डिजर्व्स दिस विक्ट्री, और जब तारीफ भी होती है नरेंद्र मोदी की तो यही कहा जाता है सुशासन की वजह से तीसरी बार जुड़कर आए। इत्तेफाक है कि हम बीजेपी का नारा भी ये देख रहे हैं, सुशासन संकल्प बीजेपी विकल्प। आप देखिए, आज आप जनता को पूछिए कहीं भी हिंदुस्तान में कि क्या वो कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार से खुश हैं। एक तरफ आप देखेंगे प्राइस राइज, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार, जहां स्कैम के बाद स्कैम, कोई गवर्नेंस नहीं, कोई पॉलिटिकल विल नहीं। महिला की बात करें तो क्या आज महिला सुरक्षित है, क्या आज हम एम्पावर्ड है? आप बजट को लेके देखेंगे तो इतने सारे प्रावधान, लेकिन जो जमीनी स्तर पे आम आदमी है, क्या वो खुश है? क्या वो दो दिन का रोटी खा सकता है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने दिखाया है, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, गोवा में हो, हमने गुड गवर्नेंस और एक डेवलपमेंट की राजनीति दी है, और हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि 2014 में ये मौका दोबारा मिले।